आज बनाएंगे घीये की एक ऐसी नई हटके रेसिपी जो आपने शायद ही कभी ट्राई करी होगी। इसको बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है और बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक स्टाइल से आज इसे तैयार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, घीये की ये यूनिक रेसिपी बनाने के लिए हमने कुछ घीये, प्याज, टमाटर, मिर्ची और अदरक ले ली है। अब एक स्टैंड ले लेंगे जहाँ पे हम अपने घीये को रख देंगे भूनने के लिए, और साथ ही में अपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची को भी रख देते हैं। आपको इनको अच्छे से भून लेना है ताकि इनकी ऊपर की जो खाल है वो अच्छे से उतार ली जाए। प्याज, टमाटर, जो हरी मिर्ची है वो तो जल्दी भून के तैयार हो जाती है। घीये को कुछ समय ज्यादा लगेगा क्योंकि घीया बहुत मोटा होता है। तो चलिए इनकी साइड्स पलटते रहिए। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टमाटर अच्छे से भून गए हैं। हमें टमाटरों को सिर्फ इतना ही भूनना है कि इनकी ऊपर की खाल यानी कि स्किन को आसानी से निकाला जा सके। सबसे पहले हरी मिर्ची सबसे छोटी है तो सबसे पहले भून के तैयार हो जाएगी। तो हरी मिर्ची दोनों भून के हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद एक दो मिनट के बाद हमारे टमाटर भी अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हरी मिर्ची दोनों की दोनों साइड कर ली है और अब टमाटरों को अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर आपके सामने हैं, देखो कितने अच्छे बढ़िया तरीके से करारे हो गए हैं और जो हमारा ये घीया है वो भी पकना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही अपने गैस के ऊपर इनको घुमाते रहें ताकि ये ऑल अराउंड अच्छे तरीके से पक जाए। टमाटर एक मैंने उतार दिया, इसकी स्किन आराम से अब उतर जाएगी। दूसरे को भी मैं झटपट उतार लेता हूँ। प्याज का मकसद हमारे को भूनने का ये था कि प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। प्याज का और कोई काम नहीं, टमाटर और जो लौकी है यानी कि घिया वो बहुत ही बढ़िया स्वाद देने वाला है इस रेसिपी में। तो चलिए, सारी चीज़ें हमारी भून गई, बस लौकी यानी कि घिया रह गया है। इसको भी अच्छे से भून लेता हूँ। लगभग एक दो मिनट और लगेंगे और ये अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से भून रही है लौकी। लौकी को पूरा आगे से काला कर लेना है, ऊपरी परत इसकी अच्छे से काली हो जाएगी तभी ये लौकी भून चुकी होगी। अब दोस्तों, हम गैस को बंद कर चुके हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ ही में जब तक ये लौकी थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि गर्मा गर्म इसका छिलका उतारने में मुश्किल होगी, तब तक टमाटर को उतारे काफी समय हो चुका है तो टमाटरों को छील लेते हैं। टमाटर को छीलने के बाद साइड में रख लेंगे फटाफट से, और उसके बाद हरी मिर्ची भी ऐसे ही छील लेते हैं। तो ये टमाटर छील लिए, अब हरी मिर्ची को छीलते हैं। उसके बाद हम अपने अनियन यानी कि प्याज को भी फटाफट से काट लेंगे। दोनों की दोनों हमारी हरी मिर्ची छिल गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इनको अच्छे से छील लिया है। अब हमारा प्याज काट के इन सबको एक पानी में डाल देंगे ताकि ये धो ले, हम अच्छे से काली कोई परत रह गई हो तो वो उतर जाए, और उसके बाद इसको काट लें। तो चलिए, अब हमारा जो घिया है यानी कि लौकी वो भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसकी ऊपर की परत आपको ऐसे चाकू की मदद से उतार लेनी है। ऊपर की परत उतारने में आपको लगभग आधा से एक मिनट लग जाएगा, क्योंकि ये कालापन है और आप चाहते हैं कालापन बिल्कुल भी आपकी सब्जी में ना आए, तो आपको इसको अच्छे से उतारना होगा। और उसके बाद हम इसे झटपट वॉश कर लेंगे। फटाफट से दोनों एंड से इसे काट लेते हैं और चलते हैं इसको फटाफट से वॉश करने के लिए। तो ये वॉश करके कुछ घिया हमें इस तरीके का भुना हुआ मिल चुका है, इसको काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं। तो ये अच्छे से हमने काट लिया, अब दरदरा इसका पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें इसका कटा हुआ घिया जो हमने भुना था वो डाल लिया है। इसका फटाफट से दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसका तड़का लगाने के लिए जो हमारे अनियन थे उसको फटाफट हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेते हैं। पैन में ऑयल ले लेते हैं, हमने सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं दोस्तों हींग, क्योंकि हींग का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस रेसिपी में घी की, और डाल लेते हैं एक लाल साबुत मिर्ची और इसको प्याज के साथ थोड़ा सा फटाफट से भून लेते हैं। ये रेसिपी बहुत हटके ऑथेंटिक है, मजा आ जाएगा दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिएगा। घीये की बढ़िया हेल्दी रेसिपी है, घीये के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इनको आप हल्का फुल्का सॉटे कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और आपको पसंद ना हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको अच्छे से भून लीजिए, लगभग एक डेढ़ मिनट के लिए भून लीजिए, और साथ ही में जो हमारा टमाटर और हरी मिर्ची थी उसका आप पतला एक पेस्ट बना लीजिए।
मैं इसका झटपट एक पतला सा पेस्ट तैयार कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ये तड़के में ऐड कर लूँगा फटाफट से। ये बंद करके मैंने इसका ऐसा बढ़िया पेस्ट तैयार कर लिया है। वहाँ पे प्याज अच्छे से सॉटे हो चुके हैं, तो ये जो टमाटर का पेस्ट था वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया हमारा उस घिये की नई रेसिपी के लिए तड़का बनके तैयार हो रहा है। इसमें मसाले डालने अभी बाकी हैं जो मैं अभी झटपट डाल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मसालों को। मसाले में सबसे पहले दोस्तों मैं डालूंगा देगी मिर्च लाल कलर के लिए, हल्की सी हल्दी, साथ ही में दोस्तों गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्ची, और अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और फिर स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो हल्का सा पानी डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपके प्याज टमाटर अच्छे से पक के तैयार हो जाए। दोस्तों मैं पानी की जगह बर्फ़ प्रेफर करता हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी का। आप एक बार तड़के में ऐसे 2 क्यूब बर्फ़ डाल के देखिएगा, पानी की जगह बहुत खिल के खुल के आती है सब्जी दोस्तों, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब ढक लेते हैं लगभग ये पकाने के लिए 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद इसको हटा लेंगे। और जो घिया दोस्तों हमने मिक्सी में दरदरा पीस के भुना हुआ रखा था, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए तो ये सारा का सारा घिया डाल के इसको अच्छे से घुमा ले। दोस्तों जो हमारा घिया था वो लगभग 40% से 50% ही गैस पे भुना गया था, तो अब जो हमने घिया मिलाया है उसको पकाना होगा हमें। और पकाने के लिए इसे फटाफट से अच्छे से घुमा लें, उसके बाद हम इसे ढक के लगभग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा घिया कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा घिया अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब तक ये घिया हम अच्छे से मिक्स करते हैं और ढक के पकाते हैं, आप हमारे पेज लाइक कर लीजिएगा, बेहद ही मेहनत करके वीडियो बनाए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसे ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, और ये कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरीके का दोस्तों हमें मिला है। ये हमारा घिये का बहुत ही बढ़िया भरता, या फिर चटनी, जो भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं। इसको एक बार और ढक लेते हैं, मुझे अभी 1% 2% गुंजाइश बाकी लग रही है। 1 मिनट के लिए मैं और इसे ढक रहा हूँ, और उसके बाद फटाफट से इसको हटा लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छे से ये तैयार हो चुका है। तो ये लगभग हमारा घिये का भरता या फिर घिये की चटनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है, बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक है। कभी भी ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, जहाँ 2 रोटी खाने का मन करता है मैं तो 4-4 खा जाता हूँ। तो इसको परोस लेते हैं और ऊपर से गार्निश कर लेते हैं किसी भी धनिया या किसी चीज़ जो आपको पसंद हो उसकी मदद से। मैं चलता हूँ दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।